हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सेक्शन 3 एंड 4। देखो भाई, मैंने यूट्यूब पे देखा कि इस टॉपिक के ऊपर, इस एक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, लगभग 7-8 वीडियो, लेकिन सब ने सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन समझा रखी है। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये गर्भपात के ऊपर होता है। अगर कोई औरत या कोई ज़बरदस्ती कोई गर्भपात करता है या कोई करवाता है, ठीक है ना, देखो कोई लेडीज़ है अगर बच्चा गिराना चाहती है और डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर जो है उसकी हेल्प करता है, उसको दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह देता है, तो उसके ऊपर है। ठीक है ना, तो उसमें है ना, अगर ये इलीगल है भाई, ठीक है ना, अगर फिर भी अगर कोई ये काम करता है और पकड़ा जाता है या कोई शिकायत कर देता, तब ये सेक्शन उसके ऊपर लगते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैंने उन वीडियो में देखा कि सिर्फ उनकी डेफिनेशन समझा रखी है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बता रखा कि ये नॉन अवेलेबल होते हैं या अवेलेबल होते हैं, और अगर हमारे ऊपर ये सेक्शन लग जाते हैं तो इसमें बेल होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, आगे चल के क्या होगा, कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो किसी ने भी नहीं बताया, सिर्फ डेफिनेशन बता दिए। ठीक है, डेफिनेशन मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया, गर्भपात। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 3 और 4 होता है, इसमें जो मिनिमम जो सज़ा होती है वो 2 साल होती है और मैक्सिमम 7 ईयर। ठीक है ना, तो अप टू 7। तो ये है कि 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में इसमें जो है सज़ा होती है। और कई भाई ये भी बोलते हैं कि ये अवेलेबल है, और कई भाई ये भी बोलते हैं नॉन अवेलेबल है। ठीक है ना, तो ये भाई अवेलेबल भी है और नॉन अवेलेबल भी है, डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का किया। ठीक है ना, आपने जो है किस टाइप का क्राइम किया है, एक तो सिर्फ देखते पकड़े गए हैं या फिर आपने कर दिया, गर्भपात करवा दिया, गिरा दिया बच्चा, तो उस टाइप का। ठीक है ना, तो इसमें तो भाई मैं इसमें आपको बता दूंगा, अगर किसी के ऊपर भी ये सेक्शन लगते हैं और जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और कोर्ट में पेश करेगी, तो साथ की साथ इसमें बेल नहीं होगी। ठीक है, 19% चांस है कि नहीं होगी, 10% चांस है कि अगर जज का मूड अच्छा है तो दे सकता है, लेकिन 19% चांस है कि नहीं देगा। ठीक है ना, नहीं देगा। तो इसमें जो कस्टडी होती है वो 4 या 5 दिन की होती है, मतलब आपको 4 या 5 दिन जेल में रहना पड़ सकता है। ठीक है ना, 4 या 5 दिन के बाद इसमें जमानत मिल जाती है आपको, डिपेंड करता है कि ज़्यादा सीरियस क्राइम ना किया हो आपने। ठीक है ना, तो इसमें मिल जाती है भाई, किसी भी यूट्यूबर ने इस टाइप की वीडियो नहीं बना रखी है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन डेफिनेशन बता रखी है, लेकिन ये कोर्ट का क्या प्रोसीजर वो नहीं बताया। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन अवेलेबल भी है, अवेलेबल भी है, क्योंकि जिसमें 7 ईयर की हो जाती है तो वो नॉन अवेलेबल हो जाती है भाई, अगर 3 ईयर की है तो वो अवेलेबल। ठीक है ना, तो इसमें अप टू 7 है, तो ये अवेलेबल भी है, नॉन अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का क्राइम किया है इन सेक्शनों के अंदर। ठीक है ना, तो इसमें आपको 4 या 5 दिन के अंदर आपको बेल मिल जाती है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और दिन में फ़ोन करना, रात को फ़ोन मत करना, और समझ में ना आए तब करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।